नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की भाई इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीवो Y22s मोबाइल में ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट कैसे लगाएंगे। दोस्तों ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट लगाने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है, और सेटिंग को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है, और सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ से फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है, और फिंगरप्रिंट पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी स्क्रीन लॉक बनाया है उसको यहाँ से डाल देना है। और स्क्रीन लॉक डालने के बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। और इनेबल करने के बाद आपने जो भी ऐप लॉक का पासवर्ड या पैटर्न बनाया है उसको यहाँ से डाल देना है। और डालने के बाद ये ठीक आपके मोबाइल में इनेबल हो जाएगा, यानी कि सक्सेसफुली ऐप लॉक पर फिंगरप्रिंट लग जाएगा। और अपने स्क्रीन पर जाके देखते हैं हमारा ऐप लॉक में फिंगरप्रिंट लगा है नहीं। दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट कट करता हूँ, और कट करने के बाद यहाँ से मैं अपना एल्बम को ओपन करता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं हमारे ऐप लॉक पर फिंगरप्रिंट लग गया है। दोस्तों यहाँ से जैसे मैं अपना फिंगर लगाता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा ऐप ओपन हो जाता है। दोस्तों इस तरह से आप वीवो Y22s मोबाइल में ऐप लॉक पर फिंगरप्रिंट लगा पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो से जानकारी मिली हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।